लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर की हम थोड़ी सी आज कंस्ट्रक्टर में थोड़ी सी चेंज करेंगे कि हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर में क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, एक सिंपल सी चेंज आज करेंगे। क्लास सम क्रिएट करना हम एक चेंज में इंट ए इंट बी रिजल्ट, तो तीन इसमें है। तो विल यूज ए सिंपल फंक्शन कॉल्ड एज, पहले तो हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी देखेंगे कंस्ट्रक्टर में क्या हम करेंगे, उसके बाद एक गेट फंक्शन यूज करेंगे। इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो यहां से हम इसको रिटर्न करेंगे रिजल्ट। तो ए प्लस भी हम रिटर्न करेंगे, जो भी इसको कॉल करेगा उसको रिटर्न करेगा, तो उसका नाम रखते हैं हम सपोज 9.cpp। सिंपल वही चीजें हमने की जो अभी तक हम करते आ रहे हैं अभी तक। तो वाली फंक्शन में आते हैं, 0 एंड सम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1, ठीक। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने सम एक क्लास बनाया है, उसमें इंट ए इंटीजर बी एंड इंट रिजल्ट, ऑब्वियसली हम सम अप टू नंबर्स कर रहे हैं इसमें सिंपल। तो मैंने एक, जैसे इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि जो सम जो क्लास के नाम से अगर एक हम फंक्शन भी क्रिएट करें जिसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होता है तो उसका हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो ये एक्चुअली यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्योंकि ये इसमें कोई वेरिएबल नहीं ले रहा है, ये सिंपल कुछ नहीं ले रहा है यहाँ से, तो हम बोलेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो हम सी आउट करेंगे यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया तो हम फिर इसके बाद क्या करेंगे, रिजल्ट, रिजल्ट में 0, पहले रिजल्ट में 0 होना चाहिए, ठीक है। फिर इसको इंटर टू नंबर्स, हम दो नंबर्स यूजर से इंटर करवाएंगे, तो हमने कंस्ट्रक्टर में क्या किया, कंस्ट्रक्टर जो ही हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हमें इस फंक्शन को कॉल होगा, ठीक है, यानी जो ही यहाँ पे पहुंचेगा अपनी मेन फंक्शन से कॉल प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो जो भी ये सम देखेगा तो देखेगा कि सम नाम का कोई चीज है तो इसे सम नाम का एक क्लास मिलेगा, ठीक है। तो ये उसको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, जो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ये देखेगा क्या कोई कंस्ट्रक्टर है, तो एक कंस्ट्रक्टर इसे मिलेगा क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने खुद से कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, तो इसको कॉल करेगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा भी कि ये इसको खुद ब खुद कॉल करता है। तो इसको कॉल करके हमें ये दिखना चाहिए, पहले कंस्ट्रक्टर कॉल आना चाहिए, फिर रिजल्ट में ये 0, इस रिजल्ट में ये 0 पुश करेगा पहले, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हम सम अप टू नंबर्स करते हैं तो जिसमें वो डालेंगे जिसमें उसका रिजल्ट आएगा तो वो 0 होगा। फिर वैसे ही वो बोलेगा इंटर टू नंबर, अब दो नंबर्स मुझे दो, तो फिर हम सी और बी को सी इन करेंगे। फिर गेट जो हमारी फंक्शन है वो हमें रिटर्न करता है, रिटर्न करते हैं इंटीजर टाइप है, रिटर्न कर रहा है, रिटर्न करता है ये रिजल्ट हमें रिटर्न करेगा, यानी हम सी आउट ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको ob1.function को, क्योंकि हमने पास हमारी गेट फंक्शन बनाई है वो रिटर्न करेगी, तो रिटर्न को हमें किसी न किसी या तो वेरिएबल में लेना है या तो उसको आउटपुट देना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम
जो हमें यहां से मिल रहा है रिटर्न रिजल्ट मिल रहा है तो उसको हम सीधे ही आउटपुट कराएंगे। ठीक है, एक सिंपल इसको हम कोई इशू यहाँ पे हम इस प्राइवेट, अच्छा सॉरी प्राइवेट बना दिया क्योंकि प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, पब्लिक हमने इसको पब्लिक करना है बाय डिफॉल्ट क्योंकि हम इसको पब्लिक करते हैं, क्योंकि अगर हम प्राइवेट करेंगे तो इसको तो कॉल ही नहीं होगी। तो जो ये हमने इसको रन किया तो ये ऐसा आ गया हमारे पास। तो ये पहले बोलता है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड जो कि हमने इसको लिखा था बाय डिफॉल्ट। प्रोग्राम हमारा मेन फंक्शन से रन होता है, ये सम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, जब जो भी सम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया है तो वहां पर पहली जो लाइन है कि कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, तो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है। देन नेक्स्ट थिंग इज वो रिजल्ट में जीरो आ रहा है। ठीक है, ओके, देन वो बोल रहा है हमसे कि दो नंबर से एंटर करो ए और बी। तो ए का वैल्यू हम 10 रखते हैं और बी का वैल्यू सपोज 20 रखते हैं। ठीक है, तो जब हमने ये चीजें की फिर यहाँ पे पहुंच गया फिर से वापस, तो सी आउट बोल रहा है कि सम इज इक्वल, तो सम इज इक्वल जो है ये गेट को कॉल कर रहा है, तो गेट हमें रिटर्न करके दे रहा है रिजल्ट ए और बी का। तो जब इसने सम में दिखाया सम इज इक्वल 30, जैसा हम करते आ रहे हैं ये बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब ये सम यहाँ पे मैं कॉल करूँ क्या ये पॉसिबल है, जैसे हम किसी फंक्शन में किसी भी फंक्शन में हम उसको कुछ आर्गुमेंट्स देते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आर्गुमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो हम वही देखेंगे, सपोज इंट एक्स इंट वाई, मैंने इसको बोला कि दो आर्गुमेंट्स ले रहा है। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, मैं यूजर से यहाँ पे नहीं लूंगा ये ऐसे, मैं एक अलग चीज करूंगा। मैं अभी इसको बताता हूँ कि ए में डालते हैं एक्स का वैल्यू और बी में डालते हैं वाई का वैल्यू, यानी जो वैल्यूज मैंने यहाँ इस सम को भेजे, इस सम को जो भी वैल्यूज मैंने भेजे वो आप ए और बी में डालो, उनका वैल्यू एक्स का वैल्यू ए में डालो और वाई का वैल्यू बी में डालो। तो इसका मतलब अभी मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ भेजना है। ठीक है, अब कैसे भेजेंगे, सिंपल ऐसे, सपोज पहले में 10 और दूसरे में 30। अब क्या होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हमें ये कोड रन होता है, यानी जब हम हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो बाय डिफॉल्ट इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। जब वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर इसको बोलेगा कि मुझे दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए इंटीजर टाइप के, मेरे पास दो आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, उनका इसने नाम रखा है एक्स और वाई, आप लोकल कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है, तो एक्स और वाई नाम रखा है इसमें, तो लोकल नेम से कोई भी लोकल वेरिएबल है। तो हम इससे भेज रहे हैं, जब हम इसको कॉल कर रहे हैं क्योंकि खुद ब खुद कॉल हो रहा है, जब हम इसको कॉल कर रहे हैं इसको हम भेज रहे हैं, क्या क्या भेज रहे हैं, एक्स में 10 भेज रहे हैं और वाई में हम इसको 30 भेज रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसको देख भी लें, सी आउट एक्स ऑल्ट एक्स तो इससे क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने दो चीजें की यहां पे, हमने जब इसको ये दो वैल्यूज भेजे तो हमने देखा पहले कि क्या इनमें ये वैल्यूज जाते हैं, एक्स का वैल्यू प्रिंट आउट किया और वाई का वैल्यू भी हमने प्रिंट आउट किया। ठीक है, फिर ये वैल्यूज ए और बी में जाते हैं। अगर हम ए और बी में 10 और 30 जाता है, इसका मतलब जब हमारी गेट वाली फंक्शन हम कॉल करते हैं हमें रिजल्ट आना चाहिए 10 + 30 = 40, तो हमें रिजल्ट आना चाहिए। तो हम इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देखो हमें क्या हुआ, फिर से कनस्टर कॉल, यानी जब भी हम यहाँ पे पहुंच गए तो कनस्टर कॉल हो गया, एक्स इज इक्वल टू 10 एंड वाई इज इक्वल टू 30, जैसा हमने दिया था पहला 10 और वाई दूसरा 30। फिर एक्स और वाई का वैल्यू जो हमने एक्स और वाई का वैल्यू हमने ए और बी में दिया, जब ए और बी में वैल्यू दो गई, जब हमने गेट को कॉल किया गेट फंक्शन को, उसने हमें वहां से वैल्यू दिया 40, यानी 10 एंड 30 इज इक्वल टू 40। अगर हम इसको एक चेक कर लें, हम यहाँ पे सपोज 10 के बदले में 30 दूं और 30 के बदले सपोज में 50 दूं, और इसको सेव करके फिर से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं,
ऑब्वियसली ये फिर से एग्जीक्यूट हो गया, फिर से हमें कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है, और एक्स में अब 30 है क्योंकि हमने 30, और अगर यहाँ पर देखें अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने एक्स में 30 भेजा था और वाई में 50 भेजा था, यानी ये 30 और ये 50, ये जो हमने यहाँ पे दिए हैं ये वैल्यूज यहाँ पे इसको रिफ्लेक्ट हो गए हैं, ये चीज़ है, ये एक्स और ये वाई। फिर हमने सम को कॉल किया यानी इस गेट को कॉल किया और गेट ने रिजल्ट हमें भेजा ए और बी का वैल्यू, और वो 80 आ गया हमारे पास। इसका मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम इस कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज भेज सकते हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यानी हम इसको पैरामीटर भेजे हैं, हमने इस कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर भेजे, यानी यहाँ से कुछ वेरिएबल्स भेजे, ठीक है, वेरिएबल्स जो हमने इसको, हमने यहाँ पे इसको बोला था कि ये दो पैरामीटर्स ले रहा है इंटीजर टाइप के, तो दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसमें पैरामीटर्स हो, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी हो, ठीक है। इससे पहले जो हम यूज कर रहे थे ये वाला, जो हमने, दिस इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर में क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सॉरी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं होता है। मैंने इससे पहले भी बताया था आपको लेक्चर में कि अगर हम ये डिफॉल्ट नहीं बनाते हैं, अगर हम ये डिफॉल्ट नहीं बनाते हैं तो हमारा प्रोग्राम बाई डिफॉल्ट हम खुद से एक कंस्ट्रक्टर ऐड करता है। अब अगर हम ऐड करें तो ये नहीं ऐड करता, तो यहाँ पर हमने इसको ऐड किया तो यहाँ पर ये नहीं ऐड करेगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा ही कंस्ट्रक्टर काम आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर किया और उसको हमने दो चीज़ें की कि उसको हमने एक दो जो है आर्गुमेंट्स भेजे, और उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स भेजने, पैरामीटर्स भेजे, तो इस वाले कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो हमने आज देखा कि कैसे एक कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ से ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट होता है तो उसको वैल्यूज भेज सकते हैं, ताकि उन वैल्यूज के साथ वो डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सके, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम ही होता है इनिशियलाइज करना। जिसने इनिशियलाइज किया, रिजल्ट को भी जीरो इनिशियलाइज किया और ए को एक्स के साथ और बी को, सपोज अगर हमारे पास ये सम का नहीं हो, हमारे पास ये क्लास हो मल्टीपल का, ठीक है, फिर ऑब्वियसली फिर मल्टीपल में रिजल्ट में 1 जाना चाहिए, और जब हम रिजल्ट वापस इनका करेंगे तो ये ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं मल्टीपल बनाता हूँ, तो मैंने इसमें चेंज कर दी, मैंने क्लास का नाम रखा मल्टीपल, ठीक है। अब ये मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स हमें दे रहा है, मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स दे रहा है, ए और बी, ठीक है, और रिजल्ट जब इनिशियलाइज होगा ए में एक्स का वैल्यू जाएगा और बी में वाई का वैल्यू जाएगा, साथ ही साथ सम में तो हम रिजल्ट में जीरो डालते थे, लेकिन मल्टीप्लाई में रिजल्ट पे ऐसा नहीं डालते, मल्टीप्लाई में रिजल्ट पे हमने इसमें यहाँ पे 1 डाला, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, फिर से एक्स और वाई का वैल्यू ए और बी में, और रिजल्ट हमने रिटर्न किया ए और बी का मल्टीप्लाई, अगर हम यहाँ पे एक्सिक्यूट करें, ठीक है, MUL, ठीक है, तो हम एक्चुअली MUL का एक बना रहे हैं यहाँ पे, तो हम ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ छोटी वेरिएबल्स पहले इसको भेजेंगे 3 and 5, एंड हम इसको कॉल करेंगे some issues पहले कंस्ट्रक्टर जो है, कंस्ट्रक्टर तभी मैंने इसका नाम अभी सम रखा था, तो कंस्ट्रक्टर क्योंकि क्लास के नाम के बराबर होना चाहिए, मैंने इसका नाम अब मार रखा, तो अभी प्रोग्राम हमारा रन होगा, तो जो है हम इसको कॉल करेंगे तो ये अभी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड है, और क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको सम लिखा था तो हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, अब लिखते हैं मल्टीपल, तो मल्टीपल लिखेंगे तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये हमें मल्टीपल ऑफ टू नंबर देगा, 3 और 5 हमने भेजा था, 3 into 5 स्कोर 50। तो कहने का ये मतलब है कि एक कंस्ट्रक्टर जो है उसमें हम पैरामीटर्स दे सकते हैं, 1, 2 जितने भी हमें चाहिए, जैसे भी हमारे प्रोग्राम की नीड हो वो दे सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, मेरे पास
एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि वो एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर कैसे हो सकते हैं। ठीक है।